आज हम मेरा मतलब कि मैं आज बहुत दिनों बाद मैं बनाने जा रही हूँ खीर खुद की फरमाइश पे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक हाथ, मेरा मतलब दो सुंदर हाथ इसे बनाने के लिए, एक मुंह खाने के लिए और झूठी तारीफों के लिए, भूलिएगा मत। एक कटोरी में कुछ चावल, इसे भिगा ले, धोकर भिगाए, आजकल हर जगह कोरोना के कीटाणु पाए जा रहे हैं, फिर बाकी की सामग्री बाद में। अब हम लगाएंगे आग, घरों में नहीं अपने चूल्हे पे, और लेंगे एक पैन। अब इसमें डाल ले घी, ज़्यादा नहीं कम से कम। अब थोड़ी सी ओवर एक्टिंग के साथ इसमें बच्चे कुचे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में हैं कोने कोपचे में पड़े हुए, सारे धोकर इसमें डाल दे। अब इस शानदार सी ओवर एक्टिंग के बाद इसमें डाले दूध, जितना मिल जाए उतना कम है, और हाँ अब बस। अब दूध डालने के बाद इसमें बारी आती हमारे दर दरे पीसे चावल की, भूलिएगा मत। अब सेल्फी के लिए हो जाए तैयार, देखिए बाल सवार लीजिए थोड़े आईने के सामने खड़े होके। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, गंदे गंदे मुंह बनाकर तस्वीरें खींचे और अपलोड कर दे अपने इंस्टाग्राम पे। अब ये ना भूले कि आप बना रहे थे खीर, तो आ जाइए अपनी असल औकात पे, बांध लीजिए सर पे जूड़ा और तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे भी ओवर एक्टिंग नहीं छोड़ी, देखिए बन गया जूड़ा मेरा। ओहो मज़ा आ गया। अब देखते हैं हमारे खीर का हाल, खीर में अब दूध उबलने लगा है, चावल भी कम से कम पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे इलायची और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू पूरे खीर में मचा देंगी धूम। अब इसमें हम डालेंगे अपना शक्कर, थोड़ी और, थोड़ी थोड़ी और थोड़ी, हाँ मज़ा आ गया। अब जब तक कि हमारी शक्कर पिघलती है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये जहर वाली खीर, याद है? चलिए आपसे पूछते हैं यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, इसमें से जहरीली खीर कौन सी है। ये है हमारे ब्रांड एम्बेसडर भानु प्रताप सिंह, जहरीली खीर खाने वाले। ये लो बन गई हमारी खीर, अब इसे देखकर खुश होइए और मैं चली खाने।